Okay, how do you like shopping at Walmart? I love shopping at Walmart and everything I want. Assalamualaikum. मैं हूं दिशान और हमारी आज की स्टोरी है वॉलमार्ट के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको वॉलमार्ट का विजिट करवाऊं, पहले मैं आपको थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं। वॉलमार्ट का पहला स्टोर अमेरिका की स्टेट अरकैनसास की सिटी रॉजर्स में सैम वाल्टन ने 2 जुलाई 1962 को ओपन किया और फिर देखते ही देखते ये सिटी से स्टेट्स और फिर यूनाइटेड स्टेट्स से पूरी दुनिया में फैल गया। इस वक्त वॉलमार्ट 24 मुल्कों में 10,500 के करीब स्टोर ऑपरेट कर रहा है। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी स्टोर चेन है। इसके टोटल एम्प्लॉयज़ की तादाद 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख के करीब करीब है, जो इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय रखने वाला स्टोर चेन भी बनाती है। आए वॉलमार्ट का विजिट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या सेल करता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वॉलमार्ट पहुंच गए हैं। अब जाके आपको दिखाते हैं वॉलमार्ट का और अंदर विजिट करवाता हूँ आपको कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ये बेचारा इतनी सर्दी में मेहनत कर रहा है। इसका काम ये है कि ये यहाँ से जो कस्टमर कार्ड बाहर रख के जाते हैं, ये उन्हें सबको अंदर लेके जाता है वॉलमार्ट में। हम वॉलमार्ट में ये देखें, ये सर्विसेज एरिया, काउंटर रिटर्न का, मनी सर्विसेज का। ये देखें, यहाँ पे है लेडीज़ वेयर, वो उस साइड पे सारे काउंटर हैं उस साइड पे है, पर हम इधर से शुरू करेंगे जहाँ पे क्लॉथ सेक्शन है। ये लेडीज़ हैं, जेंट्स के पड़े हुए हैं सारे, मेंस वेयर है। यहाँ पे जैकेट्स पड़ी हुई हैं, देखें ये ज़्यादातर, ये देखें मेड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश की चीज़ें यहाँ पे, पाकिस्तान की नहीं है। और ये टी शर्ट्स हैं, जैकेट्स 18 डॉलर की हैं, जो कि बहुत रिजनेबल प्राइस है। 30 डॉलर की ये हैं, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी में, और शायद ये कलर भी ठीक है। ये किधर हैं जी, मेड इन चाइना, चाइना छाया हुआ है हर तरफ, चाइना हर तरफ, चाइना ही चाइना। वॉलमार्ट बिल्कुल ऐसी है जैसे पाकिस्तान की रावलपिंडी की राजा बाजार या बाड़ा मार्केट है, कि यहाँ से चीज़ें सस्ती होती हैं, अनब्रांडेड होती हैं, नाकिस नहीं होती, अच्छी होती हैं क्वालिटी में, एवरेज क्वालिटी है, इतनी बुरी भी नहीं है। इस आयल में ये देखें सॉक्स लगी हुई हैं डिफरेंट कंपनीज की, डिफरेंट डिज़ाइन में, कलर्स में, इस पूरी हाल में यही है। ये रेंगलर है, ये भी मैंने बताया पूरी कंपनी है, रेंगलर भी ठीक है, एवरेज कंपनी है, अच्छी होती हैं इसकी भी, सारी साख लगी हैं। जैसे ये देखें, ये 12 डॉलर के लगे हुए हैं 12 पेयर। ऐसी जो दूसरी हैं जो फुल साइज़ होती हैं, ये भी देखें 12 डॉलर के 12 पेयर लगे हुए हैं, तो प्राइस पूरी नहीं है। साक्स वैसे इतने ही की मिलती हैं अनलेस बहुत ही अच्छी कंडीशन। ये देखें, ये रीबॉक की लगी हुई हैं, ये भी लगी हैं 10 डॉलर की 6 लगी हुई हैं, 11 डॉलर की 6 पैक, तो आप फ़र्क देख रहे हैं। ये रीबॉक कंपनी अच्छी, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी 6 लगी हैं और उसकी उतनी ही प्राइस में 1 डॉलर ज़्यादा में आपको 12 मिल जाएंगी। ये सारा आगे शूज़ के सेक्शन है, ये देखें सारा डिपार्टमेंट है शूज़ का। यहाँ पे शूज़ भी हैं लेकिन वो ही अनब्रांडेड हैं, कंपनीज के नहीं हैं, मींस के इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये देखें 17 डॉलर के लगे हैं, 17 के आपको नाइकी के भी या एडिडास के भी मिल जाते हैं सेल पे लगे हों। ये आपके 2 हफ्ते निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाने लगे। ये सब अनब्रांडेड शूज़ हैं, ये देखें जितने भी लगे हैं वही, जैसे वो हम चले जाएं किसी बाज़ार में, पिंडी राजा बाज़ार या बाड़ा मार्केट में, उधर भी बहुत लगे होते हैं, ये वो वैसे ही हैं, वो ही क्वालिटी है, इतने अच्छे नहीं। ये ड्रेस बल्कि ये भी ड्रेस शूज़ और दूसरे मिक्स ही लगे हुए हैं ये सारे, इनमें भी कोई इतनी क्वालिटी नहीं है। ये हम चले जाते हैं जॉर्ज के, ये सर्दियों में क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत पड़ती है। ये जो है ये जॉर्ज के लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत पड़ती होती है
तो उनके लिए ये शूज़ बेस्ट हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर वॉलमार्ट से ही ले जाएं। Hey, how are you? I'm good. How are you? Good, good. What's your name? My name is Ariana. Ariana Carbone. All right. And how long have you been working at Walmart? I've only been working here since December. So almost 2 months. 2 months, and yeah. You like working here? I love it so far. Yeah. Oh, really? Mm-hmm. And what do you like most about Walmart? Honestly, I just think it's a really good company to work for. Oh, really? All right, thank you. No problem. इस साल में शैम्पू पड़े हुए हैं गार्नियर के, डब है, हेड एंड शोल्डर है, डब के पड़े हुए हैं। यहाँ पे प्रोटीन बार्स लगी हुई हैं, ये देखें, ये प्रोटीन बार हैं। इस साल में शेक्स भी पड़े हुए हैं, ये विटामिन्स की विटामिन के कैप्सूल्स हैं, ये डिफरेंट कंपनीज के हैं। उसके अलावा ये गोली गमीज हैं, ये बहुत मशहूर है वेट लॉस के लिए और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए हैं ये। हाँ, ये देखें एप्पल साइडर विनीगर गमीज हैं, ये सबसे ज़्यादा मशहूर ये हैं, वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करती हैं ये। उसके बाद ये प्री वर्कआउट पड़े हुए हैं यहाँ पर, जिनमें ये अच्छा है लिट का, और ये पीछे वे प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, ये वे प्रोटीन्स हैं, ये सारे वे प्रोटीन्स हैं। 4-5 साल पहले ऐसा हुआ कि स्टोर ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए वहाँ पे फ्रोजन फूड रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वॉलमार्ट बहुत बड़ी चेन है, तो इन्होंने भी ये आइडिया अडॉप्ट किया और तब से इन्होंने भी फ्रोजन फूड्स के कूलर रखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे हर किस्म का फ्रोजन फूड आपको मिल जाएगा, ये फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, ये फ्रोजन सी फूड है, ये श्रिम्प पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये भी हैं, ये भी हैं कोकल श्रिम्प्स हैं, ये देखें ये बीफ पड़ा हुआ है, बर्गर है जिससे 5% लीन है उसमें पड़ा है, और ये कीमा भी पड़ा हुआ है, ग्राउंड बीफ हलाल नहीं है क्योंकि ये स्नैक्स हैं, लेस पड़े हुए हैं यहाँ पर इस पूरी आयल में आगे तक, और इस साइड पे ये प्रिंगल्स लगे हुए हैं, ये ड्रिंक्स का आगे शुरू हो जाता है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक मिक्स भी वाटर हैं, ये कोक हैं, कैंस हैं। बस हमने फार्मेसी है, वॉलमार्ट की अपनी फार्मेसी होती है जहाँ से आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं, कोविड के दौरान यहाँ पर वैक्सीनेशन भी की जाती थी फाइजर की, और ये इनके मेडिसिन डिपार्टमेंट में सारी एसेंशियल मेडिसिन आपको मिल जाती हैं यहाँ से, फुट केयर क्रीम वगैरह, ये आई केयर पड़ी हुई है जैसे इस साइड पे, ये बैंडेजेस हैं, ब्रेसेस पड़ी हुई हैं डिफरेंट, हैंड के हैंड ग्लोव्स के देखिए पड़े हुए हैं, मेडिसन हैं, क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, कैडवल है जैसे कि डिस्प्रिन होती है ये उसके साथ, कैडवल बहुत अच्छी मेडिसन है ये, बल्कि उससे कोई गुना अच्छी है ये एडवल, सर दर्द बुखार वगैरह ये यहाँ पे यही यूज़ होती है, जिस तरह पाकिस्तान में डिस्प्रिन यूज़ करते हैं यहाँ। ये कार एक्सेसरीज का डिपार्टमेंट है, एयर फ्रेशनर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बैटरीज हैं सारी, और ये ऑयल्स एंड डिफरेंट कंपनीज के लुब्रिकेंट्स। अगली आयल्स में जा रहे हैं, देखते हैं अगली आयल्स में क्या क्या, ये पर्सनल केयर का सेक्शन आ, कॉस्मेटिक्स है वे बड़ी ब्रांड्स, और उसके अलावा दूसरी ब्रांड्स का भी मेकअप मिल जाएगा आपको, हर किस्म का रेवलॉन है। इस साइड पे ये लोरियल का लगा हुआ है, ये आर्टिफिशियल नेल्स हैं, लिमिटेड वैरायटी है,
लेकिन आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक मिल जाएंगे यहाँ से, प्री ऑर्डर पर मंगवा लेते हैं। ये ब्यूटी टूल्स लगे हुए हैं, ये नेल ट्रीटमेंट्स, नेल पॉलिश वगैरह, ये देखें ये सारी, और ये ब्रशेज हैं, आई एक्सेसरीज हैं, फ्लावर के हैं, अलमई के हैं, ये मेबलिन जो बहुत बड़ी ब्रांड है न्यूयॉर्क की, पूरी दुनिया में जाना जाता है इनका मेकअप, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है वॉलमार्ट में। जैसे कि मैं कहा वॉलमार्ट में बहुत अच्छी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं और बहुत रिजनेबल प्राइसेस पे। उनमें ये देखें, एक ये कॉस्मेटिक्स का सेक्शन जिसमें ये काफ़ी मशहूर ब्रांड्स के भी मेकअप आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे। ये कवर गर्ल के हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं, हर किस्म के मेकअप का सामान है ये। इस साइड पे ये ब्रशेस पड़े हुए हैं, ये स्ट्रेटनर्स हैं और कर्लर्स हैं, ये हेयर ड्रायर्स हैं आगे पड़े हुए, ये फिर ये स्ट्रेटनर्स पड़े हैं ऊपर, और ये कर्लर्स हैं, ये मशीन हैं, शेविंग मशीन हैं, ये हेयर कलर हैं, हेयर एक्सेसरीज इस साइड पे पड़ी हुई हैं, देखें बैंड्स वगैरह, लड़कियों के कैचर वगैरह यहाँ पे, ये हेयर कलर्स पड़े हुए हैं, काफ़ी कंपनीज हैं जिनमें ये गार्नियर है, मशहूर कंपनी वर्ल्ड वाइड, और ये रेवलॉन है, ये लोरियल है, यहाँ पे ये देखें शेविंग एक्सेसरीज पड़ी हुई हैं, ये हेयर कलर हैं, शैम्पू कलर जो होते हैं उनके, शेविंग फोम्स हैं, आफ्टर शेव्स हैं, रेजर हैं यहाँ पे, ये सब रेजर लगे हुए हैं साइड पे, वो आ गए अंडर आर्म्स लगे हुए हैं, ये सारे काफ़ी कंपनीज के हैं, फैब्रिक के, क्लिनिक सीट्स का, डव के हैं, जिलेट के, ये देखें ये डव के लगे हुए हैं, ये देखें ये टेबल लैंप्स पड़े हुए हैं सारे। वहाँ से अगर सीधा आगे चले जाएं तो ये पैम्पर्स लगे हुए हैं बच्चों के, ये लव्स के हैं, ये आगे हगीज़ है, और उसके आगे ये पैम्पर्स कंपनी के लगे हुए हैं, डाइपर्स सारे, यहाँ पे भी कुछ लगे हैं इस आयल में भी, और ये फिर उनके स्टॉलर्स हैं, स्टॉलर्स लगे हुए हैं, ये बिब्स वगैरह हैं, ये ऐसे ये बोल्स हैं, ये न्यू बोन का ज़्यादातर लगा है, ये फीडर्स हैं, ये देख लें, ये पीडियाश्योर। जब मैं नया नया आया था मुझे लगता था कि ये शराब पड़ी हुई है तो अब तो पाकिस्तान में भी आम हो गया ये स्पार्कलिंग वाटर है। इस साइड पे कोई सैकड़ों किस्म के जूसेस पड़े हुए हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट जूसेस हैं, ये देखें ये एंड तक हर किस्म का जूस आपको यहाँ वॉलमार्ट से मिल जाएगा। ये आगे स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है यहाँ से आगे जा कर, ये देखें ये बाइक्स हैं। वॉलमार्ट का ये एडवांटेज है यहाँ पे चीज़ें आपको अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं, वो ही चीज़ जो आपको कहीं और से महंगी मिलेगी यहाँ से आपको $20-30 सस्ती मिल जाती है। और वॉलमार्ट क्योंकि अमेरिका में हर जगह पे हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि वॉलमार्ट से ही चीज़ें ख़रीद लें, इसलिए वॉलमार्ट का रेवेन्यू बहुत है यहाँ पर, रश बहुत होता है कस्टमर्स का और बहुत कस्टमर्स आता है यहाँ पर वॉलमार्ट। और अगर आपको माउंटेन बाइक्स चाहिए या और कोई बाइक चाहिए तो उसके लिए है ये डिपार्टमेंट, ये देखें यहाँ पे हर किस्म की बाइक आपको मिल जाएगी। ये मैट्स हैं, ये इस साइड पे ये सारे पर्दे लगे हुए हैं, ये देखें पर्दे और ये रॉड्स हैं, डिफरेंट रॉड्स हैं साइज में और डिज़ाइन में डिफरेंट। ये टूथब्रश लगे हुए हैं,
ये सिंपल वाले हैं यहाँ पे आगे जगह टूथपेस्ट हैं। इस साइड पे माउथ वॉश लगे हैं। लिस्ट्रीन सबसे मशहूर कंपनी है पर इसमें अल्कोहल होती है इसलिए मैं तो यूज़ नहीं करता। ये क्रेस्ट है, ये नॉन अल्कोहलिक होता है क्रेस्ट के। ये देखें लिखा भी है अल्कोहल फ्री, तो मैं ये क्रेस्ट यूज़ कर लेता हूँ। उसके अलावा स्कोप है, ये फ्लॉस वगैरह है, ये डेंटल नीड्स के रिलेटेड हैं सारी। ये फ्लॉसेस पड़े हुए हैं डिफरेंट कंपनीज के, टाइप के। ये आगे बच्चों के ब्रशेस पड़े हुए हैं, और ये आगे हैंड सोप, लिक्विड हैंड सोप पड़े हुए हैं। कस्टमर इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगता है वॉलमार्ट। आई लव शॉपिंग एट वॉलमार्ट, एवरीथिंग आई नीड इज ऑलवेज हियर एट वॉलमार्ट। Even the razor blades that I was looking for, single edge. And you found them? The gentleman helped me, the salesman. Oh, wow. I couldn't find them at first, and I found them, the single edge razor blades to scrape the paint. Oh, so Walmart is the best place to shop. The best place to shop. Oh, there you go. And how often do you come here? Oh, at least once a week. Oh, once a week. That's great. Yes. And what you like most about Walmart? Like prices, quality? Oh, the prices and the selections. And the people, the workers, everyone's great. So everything is wonderful. And it's clean. Oh, yes, and it is. And I get everything in one. We can see the floors are pre-cleaned. And I get everything in one store, one-stop shopping. There you go. Thank you. Yeah, I guess stationery ka aa jayega, office supplies hain in aisles mein. Notes wagera, pens wagera, jo office needs hoti hain. Ye kids ka. Mira, solo para como tomarle la temperatura. सब बच्चों के खिलौने पड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, किड्स डिपार्टमेंट से निकल आए हैं, अब आ गए हैं एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पड़ा हो। ये देखें, ये सब प्रिंटर हैं, ठीक है, एचपी के लगे हैं। ये फिर एक कैनन का लगा हुआ है। ये टीवी पड़े हुए हैं यहाँ पे, एलसीडीज डिफरेंट साइज की और डिफरेंट कंपनीज की पड़ी हुई। ये लैपटॉप लगे हुए हैं, लैपटॉप हैं एचपी के, गेटवे का। ये भी एचपी के पड़े हुए हैं। ये गेमिंग लैपटॉप हैं और इन कीमत भी उसी हिसाब से। ये देखें, ये सब हार्डवेयर का सामान पड़ा हुआ है। ये ड्रिल्स पड़ी हुई हैं, ये बिट्स लगी हुई हैं उनकी, उसका ये ब्लेड्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। अगर तो कैंपिंग का मूड बन रहा तो ये कैंपिंग का सारा सामान पड़ा है इस पूरी आयल में। ये देखें, ये टेंट्स पड़े हुए हैं कैंपिंग के लिए यहाँ पे, ये डिफरेंट साइज हैं कैंप्स के। ये बड़े हैं, ये 6 पर्सन के लिए भी है, जो कि $80 का लगा है। ये व्हील कवर्स लगे हुए हैं। अच्छा जी, वॉलमार्ट पे आके जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो चेकआउट के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कैशियर के पास जाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है सेल्फ चेकआउट का, कि आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना और तो आप सेल्फ चेकआउट की तरफ चले जाएं, कन्वीनियंट है और आप जल्दी से चेकआउट कर जाते हैं। तो मैं सेल्फ चेकआउट की तरफ जाऊँगा और वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि कैसे चेकआउट करते हैं। ये सेल्फ चेकआउट्स हैं, काउंटर हैं। आप पहले यहाँ पे जाके इधर वेट करते हैं और देखते हैं एम्प्टी हैं अभी, काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी हम किसी पर भी चले जाएंगे। ये मैं इस स्कैनर पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आके रखूँगा, स्कैन करूँगा आइटम जो मैंने ली है और इसे मैं साइड पर रखूँगा। यहाँ पे ये मुझे पेमेंट शो कर देगा, ये मैं पे को क्लिक करूंगा। इंसर्ट कैश और सेलेक्ट पेमेंट टाइप। पेमेंट मेथड पूछेगा जिस पे मैं क्रेडिट कार्ड चूज करूंगा। यूज पिन पैड टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन। ये पिन पैड है जहाँ से मैं कार्ड इंसर्ट कर दूंगा, और जब ये मुझे कहेगा तो मैं कार्ड रिमूव कर लूंगा। यहाँ ये देखिए, कार्ड मैंने रिमूव कर लिया, प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे। ये रसीद आ गई है नीचे,
ये देखिए पेमेंट अप्रूव हो गई है, तो ये मैं रेट कर दूंगा इसे आउट ऑफ 6। यहाँ से मैं आइटम डालूंगा यहाँ पे बैग में, और मैं बाहर चला जाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का, और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।